इसलिए मेरा ख्याल है किसी की मदद हासिल करने में कोई हर्ज नहीं है, अपनी नाक बचाएं। और हमें ज्यादा खदशा है कि हिंदुस्तान जो है अमेरिका के ईमा पर हमारे साथ कोई ना कोई खेल खेल सकता है, उसके लिए हमें मुकम्मल तैयारी करना होगी। आज की कहानी कुछ यूं है कि एक अकेले इंसान ने मोहब्बत में पूरा पहाड़ तोड़कर सड़क बना दी, और जिसने ये नामुमकिन काम सर अंजाम दिया, आपको पता है वो शख्स इंसानी तारीख में एक अजूबा इंसान की हैसियत रखता है। अच्छा, ये शख्स एक बहुत ही गरीब मजदूर था, जरा सुनते जाइएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये बड़ा गरीब मजदूर था, और ये उस वक्त का वाकया जब उसकी उम्र तकरीबन 22 साल बताई जाती है। वो गरीब मजदूर अपनी बेगम से बड़ी मोहब्बत करता था। अच्छा, उनके इलाके में ना पीने के लिए कहते हैं कि पानी नहीं होता था, और इस वजह से मजदूर की जो बेगम है उसको एक पथरीले पहाड़ को क्रॉस करके पानी लाना पड़ता था। एक दिन क्या हुआ कि वो पानी लेने गई, लेकिन उसे पहाड़ क्रॉस करते हुए शदीद चोट लग गई, जिसकी वजह से उसका खून बहने लगा। जब वो घर वापस आई तो उसका खून बह रहा था। मजदूर बेगम को लेकर फौरन अस्पताल की तरफ रवाना हुआ, लेकिन अस्पताल के रास्ते में भी वही पहाड़ था और अस्पताल बहुत दूर था, जिसकी वजह से उसकी बेगम रास्ते में ही खून ज़ाया होने की वजह से इंतकाल कर गई। अब इसके बाद ये मजदूर दुख से निढाल हो गया, क्योंकि वो अपनी बेगम से शदीद मोहब्बत करता था। अच्छा, गरीब मजदूर एक बुलंद हौसला इंसान था, जो आसानी से हिम्मत नहीं हारता था। उसको बेगम के मर जाने के गम ने हिलाकर रख दिया, और उस दिन उसने एक अजीब और तारीखी फैसला किया कि वो इस पहाड़ को ही तोड़ देगा, ताकि दोबारा कभी किसी की जान इस पहाड़ की वजह से ना जाए। अच्छा, मजदूर ने पहाड़ को देखा, उससे मुखातिब होकर कहा कि आज से मेरा इश्क तेरी बर्बादी, ए पहाड़, मेरी बेगम मुझसे तेरी वजह से जुदा हुई है। वो सिर्फ एक हथौड़ा और ज़रूरत का कुछ सामान लेकर ना पहाड़ पर चला गया, और उस पहाड़ को तोड़ने लग गया, यानी शुरू हो गया पहाड़ तोड़ने। अब आपको पता है पहाड़ एक दिन में तो टूटना नहीं था। वो हर रोज़ रात तक ये काम करता रहता, दिन गुजरते गए, और पास वाले लोग जिसको देखते थे पहाड़ तोड़ते हुए समझते थे शायद बुखलाहट का शिकार है, शायद बावला हो गया, शायद पागल हो गया, उसका मजाक उड़ाते थे पागल समझ के। अच्छा, उसने उस पहाड़ को ना तोड़ने का सिलसिला नहीं रोका, लोग उस पर हंसते रहे, वो लगा रहा। उसने क्या किया कि पहाड़ को तकरीबन 22 साल तक तोड़ता रहा। अच्छा, और आपको पता है कि वो इतनी लगातार तोड़ता रहा 22 साल की उम्र से वो शुरू हुआ, तकरीबन 20-22 साल तक वो अकेला किसी की मदद के बगैर दिन रात ये काम करता रहा। कुछ लोगों का कहना है कि 20 साल तक वो ये काम करता रहा, कुछ को कहने कि 20 से भी ज़्यादा कर सकते, चले 20-21-22 साल तक वो ये काम करता रहा। अब रास्ते में आने वाला वो पहाड़ आखिरकार उसने सफा हस्ती से मिटा कर रास्ता बना ही दिया। 20 साल को मजाक नहीं होता, मतलब 2 decades वो एक ही काम करता रहा, और जुनूनी होकर करता रहा, लोग हंसते रहे, लेकिन वो करता रहा, और बिलाकर उसने कर दिया। और ये कोई अफसाना नहीं है, हकीकी कहानी है। ये भारतीय मजदूर अब दुनिया में तो नहीं रहा, लेकिन उसकी कहानी हमेशा के लिए ज़िंदा रह गई है, जिसने मोहब्बत और इंसानियत की लाजवाब दास्तान कायम कर दी है। जिस मुश्किल पहाड़ी रास्ते की वजह से हज़ारों लोग ज़ख्मी हुए, कुछ मर गए, जिसमें उसकी बेगम भी शामिल थी, उसे सिर्फ एक अकेले इंसान ने हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। अचानक इस मजदूर ने एक और बड़ा अजीब काम किया, वो क्या, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं थे, और वो अपने समझने के इस कस्बे से पैदल रवाना हुआ, और शहरों को क्रॉस करता हुआ पैदल ही दारुल हुकूमत पहुंच गया, जहां उसने उस वक्त के जो वज़ीर कंस्ट्रक्शन थे उनसे मिलने की कोशिश शुरू कर दी, और वो उसमें कामयाब भी हो गया। जब वो वज़ीर के पास पहुंचा, उसने कहा कि उसने रास्ता बना दिया, अब उसे साफ़ करके वहां सड़क बना दी जाए। तो वज़ीर उसके इस कारनामे को सुनकर अपनी कुर्सी से बाकायदा उठ खड़ा हुआ, और उसे कहा कि इस कुर्सी पर आप बैठिए, आप बैठने के सही हकदार हैं, आप यहाँ तशरीफ़ रखें, और वहाँ सड़क तामीर कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि दुनिया की सूरत हाल सर जंग की जानिब जाती दिखाई दे रही है, ब्लॉक्स बन रहे हैं जिसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए, और पाकिस्तान को किसी ब्लॉक का हिस्सा बनना नहीं चाहिए। उनका कहना था कि पहले भी सर जंग से दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान किया, लेकिन इसलिए पाकिस्तान फंसना नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि लोगों को करीब लाया जाए, जैसे हमने ईरान और सऊदी अरब तनाज़े में किया। अच्छा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान अमरीका और चीन के बढ़ते हुए जो फासले हैं उनको भी कम करना चाहता है, और ज़राए के मुताबिक कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से अमन मुज़ाकरात का अमल जारी है, जिसके नतीजे में दर्जनों तालिबान को रिहा भी कर दिया गया, और रिहा किए जाने वाले अफराद हुकूमत पाकिस्तान की वाइट और ग्रे लिस्ट में शामिल थे। दरअसल अमरीका और चीन में जारी जो सर जंग है, इसके असरात हमारे मुल्क पर भी होंगे, क्योंकि दोनों ममालिक हमारी हिमायत चाहते हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा क्लियरली बता दिया, वाजे कहा है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या कहेंगे आप? जी, मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी नीयत है, बहुत अच्छी इंटेंशन है, लेकिन मेरा ख्याल इसको पाया तकमील तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है, और मैं इसके जो मुहर्रकात हैं मैं आपके सामने रख देता हूं। पहली बात तो ये है कि अमेरिका और चाइना एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं,
कोई ऐसी गलत फहमी नहीं है उनके दरमियान जिसको कि कोई दूर कर सके तीसरा फरीक। और तीसरा फरीक भी इतना ही बड़ा होना चाहिए जो, या अगर आपने किसी को नसीहत करनी हो या किसी को बात समझानी हो तो आपको फिर उससे बड़ा होने की जरूरत होती है, कम से कम बराबर होने की जरूरत होती है या बहुत अहम होने की जरूरत होती है। ठीक। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो चीन और अमेरिका के दरमियान कोई गलत फहमियां दूर कर सके या ब्रिज का काम कर सके, ये मुमकिन नहीं है। दूसरी बात ये उन्होंने कहा कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी नीयत है। अगर आप वर्ल्ड बैंक, IMF, FATF का मुकाबला तने तना कर सकते हैं बगैर किसी ब्लॉक में गए तो बिस्मिल्लाह, बड़ी अच्छी ये बात है। सवाल मतलब एक एक साइड है जो आपको आपका नाक रगड़ने पर तुली हुई है, आप उसको और दूसरी साइड को बराबर कैसे रख सकते हैं मेरी बहन? अगर तो हो ना कोई शक हो कि अगर मेरे दिल में कोई शक हो कि जी वो भी हमारे दिल में कोई अच्छी चीज रखते हैं, हो सकता है कि हालात भाई, वो आपको तकरीबन गालियां दी हैं उन्होंने, आपको इतना बुरा भला कहा कि जिसका कोई, ये तो आपकी हमियत का तकाजा होना चाहिए कि आप उनसे ऐसा ऐसा दूर हों बजाय इसके कि आप कोशिश करते रहें। तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी नीयत है प्राइम मिनिस्टर की, मैं उनकी तायीद करता हूँ, लेकिन ये दोनों बातें होने वाली नहीं है। ना तो आप अमरीका और चीन के दरमियान कोई मुफाहमत करवा सकते हैं, इस पोजिशन में नहीं है। और अगर आप ये कहें हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे तो ज़रा देख लें अलग होके, मेरा ख्याल है कि आपको ये दुनिया छोड़ेगी नहीं, आपको कुछ ना कुछ किसी ना किसी के साथ होना पड़ेगा। अरे जनाब साहब, आपकी बात से मतलब मेरे जहन में एक सवाल आया, देखने वाले नाजरीन के जहन में भी सवाल आ सकता है, यानी आपकी बात से किसी हद तक हम ये समझ सकते हैं कि आप कह रहे हैं कि हो नहीं सकता, यानी हम किसी ब्लॉक का हिस्सा ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है? इट मींस कि पाकिस्तान इनसे ब्लैकमेल होता रहेगा, मतलब सीधे सीधे अल्फाज में अगर बात की जाए तो क्या, यानी गन पॉइंट पर जो करवाना चाहेंगे हम करते चले जाएंगे, हम कभी भी डिग्निटी नहीं दिखा सकते, हम कभी भी नहीं कह सकते कि हम अपने डिसीजन, आप कह रहे हैं हम इस पोजिशन में नहीं है, तो हम क्या कभी भी इस पोजीशन में नहीं आ सकते कि हम कहें जी नहीं हम ये नहीं करेंगे? जी आ सकते हैं, मैं तो आज की बात कर रहा हूँ कि हम इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में आ सकते हैं। मतलब है कि अभी बिल्कुल, लेकिन मैं एक चीज वादे भी करना चाहता हूँ, मैं वादे ये करना चाहता हूँ जी कि देखिए जी जी, दोस्तों और दुश्मनों में फर्क कीजिए। अगर आप दोस्तों और दुश्मनों को बराबर रखने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके दोस्त भी आपसे नाराज होंगे, तो फिर आप ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। तो आप फैसला कर लें आपने घर पे जाना या घाट पे जाना। ठीक है, ठीक है, आपने काफी क्लियर अल्फाज में कह दिया। ठीक है, जनाब सब आगे चलते हैं। अच्छा, एक रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन कई महीनों से चीन में इंसानी हकूक की पामालियों पर एतराज कर रहा है, और अब अमेरिका ने अपने खिलाड़ियों को चीन में होने वाली जो गेम्स है उसमें शिरकत से भी रोक दिया, आपको पता होगा। और इस अमरीकी इकदाम से शदीद मुश्तिल होकर चीन ने जो जवाबी इकदाम की धमकी दी है और खबरदार भी कर दिया, और उन्होंने कहा कि जी अमरीका को अपने गलत अमल की कीमत चुकाना पड़ेगी। तो क्या देख रहे हैं आप, मतलब अगर कह दिया जाए कि कीमत चुकाना पड़ेगी, इसका मतलब बहुत गुस्से में है चीन? जी देखें, ये तो कोल्ड वॉर का तसलसल है ना, आज तो ये कहा गया ना कि कोल्ड वॉर की तरफ जा रहा है, असल में दुनिया ऑलरेडी कोल्ड वॉर के दरमियान में है, कोल्ड वॉर चल रही है जो कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक नेचर की है, और इस दफा पॉलिटिकल मिलिट्री नेचर जरा कम है इसमें, इसलिए शायद हमें पता नहीं चलता कि भी कोल्ड वॉर किस नौत की चल रही है। चीन के पास अपने कार्ड्स होंगे जिसमें मेरा ख्याल सबसे बड़ा इकोनॉमिक कार्ड है, तो वो दोनों के पास है, साफ जरा अमेरिका के पास भी है, तो वो जोर आजमाई मेरा ख्याल है कि पहले पॉलिटिकली की है उन्होंने, उसके बाद अब इकोनॉमिक स्टैंड ऑफ है उनके दरमियान। तो अगर अब जैसे ये खिलाड़ियों का ना जाना तो उसी फील्ड में कहीं चीन भी उसका जवाब दे देगा, तो ये तो अभी चलता रहेगा। और इसमें तो और ये बहाने होते हैं, ये जब आपको पता है कि दो बड़े मुल्कों के दरमियान मुखासमत का माहौल है तो वो हर हीले बहाने से उसका इजहार करेंगे, अमेरिका भी करेगा चीन भी करेगा। अच्छा, कोल्ड वॉर जैसा कि आपने कहा जाना सब, जो कोल्ड वॉर होती है इसको बड़ी जंग में तब्दील होने में ज्यादा वक्त तो नहीं लगता ना, या ये नहीं हो सकती कभी भी तब्दील बड़ी जंग में? जी देखें, अगर तो रैशनल एक्टर्स हों दोनों तरफ जो कि हैं, मेरा ख्याल है तो बहुत बड़ी जंग में तो ये तब्दील नहीं हो सकती, क्योंकि न्यूक्लियर पावर और इस किस्म की पावर जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कोल्ड वॉर का एक और पहलू होता है जिसको कहते हैं प्रॉक्सी वॉर, मतलब ये कि वो अपनी मेन लैंड पे नहीं जंग लड़ते लेकिन कहीं और लड़ सकते हैं, और यहाँ पर खदशा जो है ना पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा है। लीडरशिप को चाहिए कि इस बात को समझे जो मैं अभी करने वाला हूँ, कि जब बड़े आपस में लड़ाई नहीं कर सकते तो वो उन छोटों की नाक रगड़ते हैं जो कि उनके बड़ों के साथ मुंसलिक होते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि जो हम पहले बात कर रहे थे कि आप न्यूट्रल होने की कोशिश करें ताकि ये कोई आपकी नाक रगड़